हाई एवरी वन वेलकम अगेन ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म तो सर आपका वीडियो का एग्जाम जो है uh, वो सामने ही है मेन्स वाला तो नो डाउट क्लासेस तो अपनी रहेंगी रहेंगी यूट्यूब uh, पे भी क्लासेस रहेंगी और उसके अलावा अपने प्लस uh, पे जो है वो भी वहाँ पर कोर्स रहेगा uh, इसके साथ में ही डेली हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे डेली बीस बीस मिनट देना शुरू करेंगे और बीस मिनट के अंदर uh, लगभग लगभग तीस क्वेश्चन जो है वो हम लगाया करेंगे लास्ट ईयर विगत वर्षों के जो पेपर हैं उनमें जो वीडियो के टॉपिक से रिलेवेंट हैं जो वीडियो के टॉपिक से जुड़े हुए हैं उसके अलावा इस टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको इंडिविजुअली बना के दूँगा तो ये टेस्ट सीरीज आपकी डेली रहेगी अब आ, यहीं पे यूट्यूब पे तो ये क्वेश्चंस जो है आप लगा सकते हैं और वीडियो मेंस के लिए एक तरीके से आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ है जिसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं दूसरी बात आप ये क्लास ले रहे हैं अन अकेडमी आर पी एस पर और अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं उसके अलावा आप अनकेडमी पर जो 20 परसेंट ऑफ का जो ऑफ़र चल रहा है ये बढ़ा दिया गया है और बढ़ा के करा गया है तीस अप्रैल तक यानी कि अगर आप अनकेडमी ज्वाइन करते हैं किसी भी कोर्स के लिए तो आपको तीस अप्रैल तक बीस की छूट दी जाएगी बीस तक का डिस्काउंट दिया जाएगा डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हैं टी टी लाइव जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 20 प्रतिशत का ऑफ मिल जाएगा बात करते हैं ग्रेड फर्स्ट की तो ग्रेड फर्स्ट का साल भर का सब्सक्रिप्शन जो है वो 20 परसेंट डिस्काउंट के बाद अठाईसो रुपए का है आर एस की बात करते हैं तो साल भर का छह हजार दो साल का आपका चौहत्तर ग्रेड सेकेंड चौबीस अगर बात करते हैं रीट की तो ये आपका अट्ठाईस वीडियो की बात करते हैं तो छह महीने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र उन्नीस के अंदर और उसके बाद में अगर बात करी जाए पटवार तो ये उन्नीस इसी तरीके से कॉन्स्टेबल सोलह सो, और वन रक्षक वनपाल बाईस सौ रुपये तो ये हमारा फी स्ट्रक्चर है आप को यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिलेंगे नेक्स्ट कल जो है सुबह अन अकेडमी पर हमारा आ, पहला ऑफलाइन सेमिनार है जयपुर में अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आप बिल्कुल इस सेमिनार के अंदर इनवाइटेड हैं आप बिल्कुल यहाँ पे आइएगा सुबह ग्यारह बजे आना कहां पे आपका जीडी बढ़ाया ऑडिटोरियम संस्कृति कॉलेज नियर ज्ञान आश्रम स्कूल गुजर की थड़ी मानसरोवर में आप इस सेमिनार के अंदर आपको जितने भी टॉपर्स हैं वो मिलेंगे और अनएकेडमी के एजुकेटर हैं वो मिलेंगे नेक्स्ट सर बात करी जाए अनएकेडमी की तो यहाँ पे क्लासेस होती हैं लाइव रेगुलर डाउट डाउटकुल सेशन ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के एजुकेटर मिलेंगे कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा बैच कोर्सेज यहाँ पे आते रहते हैं तो आप बैच कोर्सेज और क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं पर चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं तो है, फट, क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा सबसे पहले देखने को मिलता है यहाँ पे अपने को राजस्थान में कुछ पशु अनुसंधान केंद्र देखने को मिलते हैं ये डंग अनुसंधान केंद्र किसके लिए जाना जाएगा तो मैं बोलूंगा ये मालवी नस्ल जो है इसके लिए पशु प्रजनन केंद्र देखने को मिलता है यहाँ पे कौन सा नोहर

तो यहां पे आंसर होगा आपका बी बी के बाद में दूसरा होगा आपका सी और फिर होगा आपका ए तो डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करी जाए निम्नलिखित में से सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय अब देखो फसलें आपके पास में सिलेबस में हैं तो वहां पे उसने बिल्कुल मेंशन करा हुआ है खाद्यान्न फसल और उसके अलावा मैं बोल सकता हूं आपका इकोनॉमिकल या मैं बोल सकता हूं आर्थिक फसलें जिसको बोलते हैं वाणिज्यिक फसलें जिनको बोलते हैं कॉमर्शियल क्रॉप जिनको कहा जाएगा ठीक है तो कॉमर्शियल क्रॉप के अंदर आपका कपास भी आता है गन्ना भी आता है जो कि उद्योगों को कच्चा माल देते हैं आ, तिलहन की बात करी जाए तो तिलहन के अंदर सीधी सी बात जिनसे अपन तेल निकालते हैं तो तोरिया सरसों की अगर बात करी जाए रैपिड सीड और मस्टर्ड की यानी कि मैं बोल सकता हूं यहाँ पे राई और सरसों की बात करी जाए तो नो डाउट ये विंटर सीजन के अंदर बोई जाती है ये रबी की क्रॉप देखने को मिलती है उसके बाद में बात करी जाए तारामीरा तो ये भी आपका रबी की क्रॉप होगा अलसी की बात करी जाए फ्लैग शीड तो ये भी आपकी रबी की ही क्रॉप देखने को मिलती है मूंगफली की बात करी जाए तो मूंगफली जो है ग्रीष्म काल में बोई जाएगी लगभग लगभग अपने राजस्थान के अंदर अगर आपको पता है तो मूंगफली जो है अब अप्रैल मई जून जो देखने को मिलता है यहाँ पे शीडिंग होती है और लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है मैं बोल सकता हूं मूंगफली जो है वो उसकी खुदाई शुरू हो जाती है ठीक है पैगिंग प्रोसेसिंग होती है मूंगफली के अंदर मूंगफली का पौधा रहेगा मूंगफली का कोई पेड़ नहीं रहेगा छोटा सा पौधा होता है उसके फूल बारिश के अंदर आने शुरू हो जाएंगे पीले रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं और उसके बाद में वो फूल जो है वो जमीन में नीचे धस जाते हैं और इसी वजह से मूंगफली का जो उत्पादन होता है वो बलुई मृदा के अंदर होता है ठीक है क्योंकि बलुई मृदा के अंदर पैगिंग प्रोसेसिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है राजस्थान के अंदर मूंगफली का उत्पादन आप देखना शुरू करते हो तो बीकानेर के अंदर और देखने को मिलेगा कौन सा लूण सर यह करता है सबसे ज्यादा और इसीलिए इसको कहा जाता है राजस्थान राज्य का राजकोट ठीक भारत का राजकोट भारत के अंदर राजकोट जो है गुजरात में देखने को मिलता है जो कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता हुआ दिखाई देता है राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सेदारी है तो मध्य प्रदेश की है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना जहां पे 50-50 का अनुपात इसके अंदर आपका है ठीक नेक्स्ट चार बांध बनाए गए हैं चंबल प्रोजेक्ट के अंदर निम्नलिखित में से किस स्थान पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग है तो यह आपको देखने को मिलेगा जयपुर और जोधपुर जयपुर के अंदर आपका चमड़ा उद्योग जो है वो देखने को मिलता है मानपुरा माचेड़ी नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है ऑब्वियस सीधी सी बात है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला जिला जयपुर है ग्रामीण और शहरी दोनों के अंदर भारत का सबसे शुष्क स्थान तो जैसलमेर का सम जो देखने को मिलता है यह शुष्क स्थान देखने को मिलेगा यहाँ पे उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है अब देखो आप एक तो देखते हो नर्मदा परियोजना और एक देखते हो आप नर्मदा बेसिन ठीक है तो नर्मदा परियोजना अगर आपन देखना शुरू करते हैं तो यहां पे अपने को क्या देखने को मिलता है नर्मदा परियोजना जो आपको दिखाई देगी स्पेशली नर्मदा नदी जो है ये निकल रही है मध्य प्रदेश से विंध्यन पर्वत के दक्षिण से तो नर्मदा नदी पर गुजरात में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध और नर्मदा परियोजना जो है इससे लाभान्वित राज्य जो देखने को मिलते हैं एक तो देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश एक देखने को मिलेगा आपको गुजरात और एक देखने को मिलता है अपना राजस्थान और राजस्थान के अलावा एक आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र ठीक है अब बेसिन का हिस्सा नहीं है यानी कि नर्मदा नदी जो है उसके लिए पानी या मैं बोल सकता हूं नर्मदा नदी में पानी नहीं जाता है जिस राज्य से तो आ, मैं बोल सकता हूं बेसिन का हिस्सा राजस्थान नहीं है राजस्थान की कोई भी सहायक नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं होगी या राजस्थान जो है नर्मदा के क्षेत्र में नहीं आता है या जल की आपूर्ति जो है राजस्थान की किसी भी छोटी सी नदी के द्वारा भी नहीं दिया जाएगा नर्मदा राज्य नर्मदा नदी को ठीक है अब नर्मदा नदी पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है सरदार सरोवर बांध और इस सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के अंदर क्या निकाली जा रही है एक नहर निकाली जा रही है जिसको नर्मदा सिंचाई परियोजना कहते हैं और राजस्थान के दो जिले लाभान्वित हैं सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो देखने को वो देखने को को मिलेगा मिलेगा वो जालौर और जालौर के बाद में दूसरा जो लाभान्वित जिला दिखाई देगा वो दिखाई देगा बाड़मेर सबसे ज्यादा लाभान्वित जालौर नर्मदा सिंचाई परियोजना भारत की ही नहीं राजस्थान की ही नहीं भारत की प्रथम ऐसी परियोजना होगी जहां पे स्प्रिंग कलर या मैं बोल सकता हूं ड्रिप सिंचाई पद्धति जो है वो अनिवार्य है बात करी जाए भारत की पहली या मैं बोल सकता हूं राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना जहां पे अनिवार्य है ड्रिप सिंचाई पद्धति अब बात करी जाए कि सर दूसरी परियोजना कौन सी है जिस पे आपका अनिवार्य है तो धौलपुर लिफ्ट परियोजना दिखाई देती है आपको चंबल नदी पे ठीक है थीके? तो ये धौलपुर लिफ्ट परियोजना जो दिखाई देगी चंबल नदी पर यहां पे भी आपका जो सिंचाई के लिए जो है ड्रिप पद्धति का उपयोग करना या स्प्रिंकलर का उपयोग करना अनिवार्य है ये दो परियोजना है राजस्थान के अंदर जहां पे आप सिंचाई करोगे तो ड्रिप से करोगे ठीक ड्रिप यानी कि बूंद बूंद सिंचाई सीधे आपके पाइपलाइन लगा दिए जाते हैं पेड़ों के ऊपर या फवारे सेट लगा दिए जाते हैं तो जो पेड़ होता है सीधा सीधा उसी को ही पानी मिलता है व्यर्थ पानी नहीं जाता है और सीधी सी बात मरुस्थलीय क्षेत्र है तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आपका सिंचाई जो करी जाएगी वो भराव पद्धति से नहीं करी जाएगी एक पद्धति देखते हो आप उसमें खेत पूरा का पूरा भर दिया जाता है तो मरुस्थलीय क्षेत्र में संभव नहीं है भराव पद्धति के द्वारा सिंचाई करना दूसरा बाड़मेर की जो चट्टाने हैं बाड़मेर का जो भाग देखने को मिलता है यहां पे नीचे ग्रेनाइट चट्टाने देखने को मिलती हैं यहां पे जल भराव की समस्या आ जाएगी अगर हमने भराव पद्धति से सिंचाई करना प्रारंभ करा तो ओके सर चलो जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट हैं तो देखो रिजर्व फॉरेस्ट तीन तरीके के फॉरेस्ट होते हैं एक को बोलते हैं आरक्षित आरक्षित को बोलते हैं क्या रिजर्व फॉरेस्ट ठीक है आरक्षित के बाद में दूसरा देखने को मिलता है प्रोटेक्ट जिसको बोलते हैं संरक्षित और तीसरा देखने को मिलता है कौन सा अवर्गीकृत वन जो है वो देखने को मिलता है ये तीन तरीके के वन देखने को मिलते हैं आपको तो अगर पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा किस तरीके के वन है तो संरक्षित प्रकार के वन है और अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा किस तरीके के वन है तो भारत के अंदर आरक्षित सबसे ज्यादा वन है ठीक तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कौन से संरक्षित अब ये पूछ रहा है आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां है तो ये देखने को मिलेंगे उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर नेक्स्ट कौन सा जोड़ा सही नहीं है जवाई बांध पाली के अंदर सही बात है साहब राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर सही बात है साहब उमेदगंज बांध जो है उमेद सागर बांध जो है भीड़ा ये भी सही है उमेद सागर बांध भीड़ा में है माई बजाज सागर डूंगरपुर में ना होकर के अंदर देखने को मिलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है उसका आंसर आंसर होगा होगा डी 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 पीछे वाले का आंसर दी। दी सुमेलित नहीं है यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है तांबा खेतड़ी सिंगाणा उसके अलावा लोहा मोरिजा बानोला सीसा जस्ता जावर टंगस्टन जो है वो पलाना मंगला में नहीं मिलता है ठीक है मंगला के अंदर नहीं मिलेगा मंगला जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है भीमसागर परियोजना कहां पे है ऑब्वियस झालावाड़ के अंदर देखने को मिलती है परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य करौली के अंदर है तो केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य केवला देव नहीं केला देवी यह देखने को मिलता है करौली करौली के साथ में सवाई माधोपुर ये दो जिले जो हैं यहां पे देखने को मिलेगा और ध्यान रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य देखने को मिलता है अगर प्रथम सबसे बड़े अभ्यारण्य की बात करी जाए तो पश्चिमी मरु उद्यान जो देखने को मिलता है या पश्चिमी राष्ट्रीय मरु आ, मैं बोल सकता हूं नेशनल डेजर्ट पार्क या राष्ट्रीय मरु उद्यान पार्क जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान राज्य का होगा राजस्थान वन की एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है सर परियोजनाएं सारी देखनी है और यह देखने को मिलती है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा आपकी चलाई गई है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है देखो एरेडी सॉयल पश्चिमी शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र जो देखने को मिलता है बोल सकते हैं अल्फी ऑफ ऑब्वियस आद्र जो है बोल सकते हैं आ, उसके बाद में इंसेप्टीस अर्ध आद्र और उपाद्र बोल सकते हैं वर्टिस वर्टिस होती है काली मिट्टी ये शुष्क क्षेत्र में नहीं होगी ये हाड़ुति के पठार में होगी आद्र व अति आद्र सिंपल सा एक फंडा लगाना है पश्चिमी राजस्थान के अंदर शुष्क क्षेत्र है शुष्क क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं एरिड तो यहां पे कौन सी मिलेगी एरिडी सॉयल कौन सी मिलेगी एरिडी सॉयल उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक घर में मिलती है आंटी तो ध्यान रखना एंटी ठीक है ये बस याद करने के लिए बता रहा हूं मैं ठीक है कौन सी देखने को मिलेगी एंटी सॉयल तो एंटी एंटीसॉयल जो है कहां पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक जिले में कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक जिले में पाई जाती है एरिडीसॉयल या एंटी एंटीसॉयल तो आंसर क्या होगा एंटी एंटीसॉयल जो है ये पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर आपकी पाई जाएगी नेक्स्ट उसके बाद में एक देखने को मिलते इंसेप्टीसॉयल तो इंसेप्टीस ऑयल जो है ये देखने को मिलता है अपने को पाली के अंदर सिरोही के अंदर उदयपुर के अंदर और राजसमंद के अंदर यह जो अरावली के पास वाला जो जिला है संक्रमण वाला यहां पे तो अर्धार्द्र और उपाद्र जिले के अंदर अल्फी सॉयल तो दक्षिणी राजस्थान और ये पूर्वी राजस्थान संपूर्ण क्षेत्र देखने को मिलेगा वर्टिस ऑयल हाड़ोती के पठार में पाई जाती है जिसको काली मिट्टी कहते हैं तो ये आपका वर्टी जो है शुष्क क्षेत्र में नहीं मिलेगी ये सुमेलित नहीं है राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आते हैं तो संरक्षित प्रकार के वन जो हैं, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं नेक्स्ट सर राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करा जाता है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में भी पूछा है आर एस एम एस एस बी के द्वारा भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है यह करा जाएगा ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग के द्वारा ठीक राजस्थान में कौन सा जिला आद्र दक्षिण व पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान तो यहां पे दे रखा है इसने कोटा बारा बूंदी और उदयपुर ऑब्वियस इसका आंसर होगा उदयपुर उदयपुर इसके अंदर शामिल नहीं करा जाएगा <coughs> कौन सा कथन <कतंग> सत्य है <coughs> जोड़बिड़ ऊंट प्रजनन अनुसंधान संस्थान बीकानेर सत्य है राजस्थान की द्वितीय सर्वोच्च छोटी गुरुशिखर गुरुशिखर के बाद देखने को मिलता है शेर शेर इसका आंसर होगा डावला सिंघाणा एक ढावला सिंगणा लोहे के लिए जाना जाता है खेतड़ी सिंगणा तांबे के लिए और ढावला सिंगणा लोहे के लिए आपका माही धवल माही धवल देखने को मिलता है मक्का की किस्म है एक ठीक है मक्का की किस्म देखने को मिलती है माही धवल फिर वापस मैच करवाना है जवाहर सागर कोटा व बूंदी और इसका होगा कोटा राणा प्रताप सागर सीधी सी बात चित्तौड़गढ़ चंबल नदी के अंदर बंधा हुआ बांध आपका और सर्वाधिक विद्युत उत्पादन की क्षमता है राणा प्रताप सागर की उमेद सागर बांध अभी थोड़ी देर पहले बताया था भीलवाड़ा के अंदर और माही बजाज सागर बांध जो है यह देखने को मिलता है बांसवाड़ा के अंदर ठीक है सर तो इसका आंसर होगा आपका बी ए कहीं पे मैच हो रहा है बी ए ये हो रहा है सर बी ए डी सी जो है यह मैच हो रहा है बिल्कुल सर इसका आंसर जो होगा वो होगा बी नेक्स्ट आपका अभ्यारण्य मानसी वाकल फुलवारी की नाल देखने को मिलेगा यहां पे नेक्स्ट बोराट का पठार किसके मध्य अवस्थित है तो बोराट का पठार गोगुंदा से लेकर के कुंबलगढ़ तक अवस्थित है राजस्थान में अपने को आ, पक्षी अभ्यारण्य ऑबियस केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है उसके बाद में आप देखना शुरू करते हो बाघ परियोजना तो रणथम्बोर बाघ परियोजना है कृष्ण मर्ग अभ्यारण्य ताल छापर देखने को मिलता है उड़न गिलहरी सीतामाता में देखने को मिलती है तो एक दो तीन चार सारे सही तरीके से सुमेलित देखने को मिल रहे हैं राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधित शुष्क कटिले वन नहीं पाए जाते उष्ण कटिबंधे शुष्क वन पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगे आपके है ना शुष्क वन पाए जाते हैं सॉरी वह जिला जहां पे उष्ण कटिबंध शुष्क वन पाए जाते हैं तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगे जयपुर पश्चिमी राजस्थान में नहीं है अजमेर पश्चिमी राजस्थान में नहीं है और धौलपुर भी पश्चिमी राजस्थान में नहीं है बसता है केवल जैसलमेर तो जैसलमेर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट आपका आ, अरावली के दक्षिण भाग की पर्वत चोटी तो दक्षिण के अंदर अगर आप देखना शुरू करते हो बाबा आपको झुंझुनू में देखने को मिलेगी बैराट उत्तरी में देखने को मिलेगी ठीक है उसके बाद में आप देखना शुरू करते हो रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली के अंदर सीकर में देखने को मिलती है डोरा पर्वत जो है यह देखने को मिलता है कहां पे दक्षिणी अरावली का भाग उसके बाद में इनके क्रम देखो यार डूंगरियों के क्रम जो है ना मे आप देखना चाहो देख लो

तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ना क्लास के साथ साथ क्लास भी लेंगे और साथ में प्रैक्टिस जो है वो भी अपने यहां है सर आओ चलो आते हैं सर चलो ठीक है तो इसको व्यवस्थित करो गुरुशिखर शेर दिलवाड़ा जल गुरुशिखर शेर दिलवाड़ा जरगा अचलगढ़ तो गुरुशिखर हो गया शेर हो गया दिलवाड़ा हो गया जरगा है नहीं फिर अचलगढ़ हो गया आपका ठीक है ए डी सी ए डी सी कहीं दिखाई दे रहा है ए डी सी बी ये आंसर हो गया ए डी सी बी ई जो है ये इसका आंसर है नेक्स्ट बोराट का कौन सा पठार कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है तो देखो माउंट आबू पे शिखर देखते हो ना उसके जस्ट बगल में यहीं पे दिखाई देगा उड़िया का पठार उड़िया का पठार जो है लगा हुआ है जिसको राजस्थान का सर्वोच्च पठार कहा जाता है निम्नलिखित में से डेबर झील के नाम से जाना जाता है जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है श्यामपुरा व भाट दो नहरें निकलती हैं यहां से नाली पर्दन सीधी सी बात सबको पता है यह देखने को मिलता है चंबल नदी क्षेत्र तो यहां पे आंसर होगा कोटा ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा होंगे ऑबियस इसके अंदर आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा कोटा बारा झालावाड़ और प्रतापगढ़ बूंदी नहीं होगा ए डब्ल्यू के अंदर कभी भी बूंदी नहीं होगा तो यह आपका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा बांसवाड़ा देखने को मिलता है ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है पश्चिमी भाग होगा तो यहाँ पे पश्चिम के अंदर उत्तरी पश्चिमी जो है ये बिल्कुल रिलेवेंट होता हुआ आंसर दिखाई दे रहा है है सेबर की पहाड़ियों से साबी नदी जो है, उसका उद्गम होता है राजस्थान राज्य के अंदर ठीक है अंतर प्रवाह की नदी कौन सी है कातली नदी जो है ये अंत प्रवाह की नदी दिखाई देती है आपको ठीक देखो होने को यहां पे आप खारी का भी बोल दोगे कि सर ये क्वेश्चन डिलीट होगा नहीं सर खारी आपको दो देखने को मिलेंगी एक जवाई नदी जो है ना उसकी भी सहायक हो जाएगी खारी तो इस वजह से क्वेश्चन गलत नहीं है क्वेश्चन सही है खारी अपने तीन है राजस्थान के अंदर है ना तो खारी जो है वो सांबर वाली मत मान लेना आप आप यहाँ पे कातली जो है ये इसका आंसर होगा जो कि सीकर जिले से निकलती है और झुन्नू जिले तक पहुंचती है आपका राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल संग्रहण क्षेत्र रखने वाली नदी है आपकी तो ऑब्वियस यहाँ पे अः बनास जो है ये इसका आंसर होगा ठीक तो लगभग लगभग ये क्वेश्चन जो है कुछ मैंने सर वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास क्यों नहीं ले रहे सर वर्ल्ड ज्योग्राफी की कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे आज से दोस्त है ना आज से करेंगे तो एक कुछ लगभग लगभग क्वेश्चन थे और इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन और स्पेशली आपके अः मतलब फसलों वाले क्वेश्चन और परियोजनाओं वाले क्वेश्चन वो क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे वीडियो के सिलेबस में मिट्टी वाले क्वेश्चन ठीक है तो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको मिक्स दिया करूंगा मतलब एक ही टॉपिक के क्वेश्चन नहीं उठाएंगे अपन तो क्योंकि किसी विद्यार्थी ने मेरे को एक सजेशन दिया था उसने ये कहा था कि सर एक चीज बताओ अगर रोज के हम तीस क्वेश्चन लगाते हैं तो लगभग लगभग दो हजार क्वेश्चन हमारे एग्जाम तक आप करवा दोगे दो से तीन हजार ठीक तो लगभग लगभग दो से तीन हजार क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो पर ध्यान रखना क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद लगाना ऐसे नहीं है कि भाई बिना पढ़े क्वेश्चन लगा लोगे और क्वेश्चन लगा के तिर जाओगे ठीक तो लगभग लगभग तीन हजार क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो तो

तीन या तारीख से आपको वीडियो का कोर्स जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे जाएगा वहां पे कंप्लीट मैं सेशन करवाऊंगा तो आप मात्र उन्नीस सौ रुपए में ये ज्वाइन कर सकते हैं आपको करना क्या है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आर पी एस ठीक है वीडियो कैटेगरी सेलेक्ट करके जैसे ही आप करेंगे राजस्थान वीडियो एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट वहां पे आप इसमें उन्नीस फीस है डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं टी टी लाइव और ये उन्नीस सौ फीस जो है केवल केवल कल तक है 30 तारीख तक है ये 20 परसेंट का ऑफर उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा और और किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट सर आप uh, पर आपको बैच uh, कोर्सेज के अलावा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो है ये भी मिलेंगे तो आप जिस हिसाब से जो एग्जाम दे रहे हैं अपना कोम्बो सब्सक्रिप्शन भी चूज कर सकते हैं और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो है इनकी फी जो है आपको कम देखने को मिलेगी थोड़ी एक जोग्राफी बाई तुषारियल टेलीग्राम चैनल है, है।, है, है। वहां पर मैं ये पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा या प्रोवाइड करवा दूंगा दूसरा एक मैराथन लूंगा मैं आज रात को और उसके अंदर स्पेशली मैं बात करूंगा आपके साथ में जो कोर्स में एक सेकंड टॉपिक है भारत वाला भारत में जैव विविधता वन्य जीव अभ्यारण है उसको हम करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी अपनी कंटिन्यू रहेगी तो चलिए आपको अगर एक क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यू गुड बाय एंड नाइस डे